रियासत में केंद्र सरकार द्वारा आतंकवाद पर नकेल कसने के साथ साथ विकास का नया दौर भी प्रारंभ हुआ है। इसी कड़ी में अब केंद्र सरकार ने रियासत की दोनों राजधानियों में बेहतर यातायात प्रबंध के लिए बड़ी योजनाएं शुरू करने जा रही है। क्या है ये योजनाएं और कहां कहां शुरू हो रही हैं? पेश है एक रिपोर्ट। विकास के हवाले से पिछड़ेपन की शिकार रियासत जम्मू कश्मीर को देश के बाकी रियासतों के बराबर लाने के लिए केंद्र सरकार की कोशिशें जारी हैं, ताकि आतंकवाद के कारण जो नुकसान रियासत को उठाना पड़ा है उसकी भरपाई की जा सके। केंद्र ने जम्मू कश्मीर में विकास के नए दौर की शुरुआत करते हुए रियासत की दोनों राजधानियों में एलिवेटेड रेल ट्रांजिट सिस्टम की शुरुआत करने की योजना बनाई है। दोनों शहरों में एलिवेटेड रेल के लिए पहले व दूसरे चरण में दो दो कॉरिडोर का चयन किया है। पहले चरण में श्रीनगर में दो कॉरिडोर पर काम होगा। पहला कॉरिडोर HMT जंक्शन से इंदिरा नगर, जबकि दूसरा कॉरिडोर उस्मानाबाद से हजूरी बाग तक। 25 किलोमीटर के इस ट्रैक पर 24 स्टेशन होंगे। दूसरे चरण में भी दो कॉरिडोर का काम होगा। इसमें इंदिरा नगर से पंपोर बस स्टैंड और हजूरी बाग से हवाई अड्डे तक 17.5 किलोमीटर लंबे इस ट्रैक में 14 स्टेशन बनेंगे। वहीं जम्मू में भी पहले चरण में दो कॉरिडोर पर काम होगा, जो बन तालाब से ग्रेटर कैलाश और उदयवाला से प्रदर्शनी ग्राउंड तक होगा। 23 किलोमीटर लंबे इस ट्रैक में 23 स्टेशन होंगे। दूसरे चरण में ग्रेटर कैलाश से बड़ी ब्राह्मणा रेलवे स्टेशन और प्रदर्शनी ग्राउंड से सतवारी चौक एयरपोर्ट तक का काम होगा। 20.5 किलोमीटर लंबे इस ट्रैक पर 17 स्टेशन बनेंगे। इस परियोजना पर करीब 8,500 करोड़ रुपए की लागत आएगी। दोनों राजधानी शहरों के लिए दो मास रैपिड ट्रांजिट कॉरपोरेशन को इस साल फरवरी में बनाया जाएगा और इन दोनों कॉरपोरेशन का प्रधान सलाहकार डॉक्टर ई श्रीधरन को नियुक्त किया गया है। रियासत के दोनों शहरों में एलिवेटेड रेल ट्रांजिट सिस्टम के निर्माण की खबर आने के बाद रियासत की तमाम राजनीतिक पार्टियों के नेताओं ने इसका स्वागत किया है और इसका दायरा बढ़ाने की भी अपील की है। इन नेताओं के मुताबिक एलिवेटेड रेल ट्रांजिट सिस्टम से जहां शहर में यातायात की समस्या कम होगी, वहीं सड़क हादसों में भी कमी आएगी। कि मेट्रो का प्रोजेक्ट जम्मू के लिए बड़ा ड्रीम प्रोजेक्ट था। जम्मू शहर की जनसंख्या काफ़ी बढ़ चुकी है और विशेष करके जो मेटाडोर्स का जिस प्रकार से सड़कों पर चलना रहता है उससे काफ़ी दिक्कत रहती थी। हालांकि अभी फ्लाईओवर और दूसरे चीज़ों का प्रबंधन भी हुआ, लेकिन उसके बावजूद भी अभी दिक्कत है। तो मुझे लगता है कि आज बढ़ते हुए जो दौर में जिस प्रकार से गवर्नमेंट का दौर चल रहा है उसमें मेट्रो का होना बहुत ज़रूरी है। तो उधमपुर और जम्मू के बीच में आज इतनी ट्रैफिक की समस्या बढ़ चुकी है और कई बार यहाँ से जम्मू जाने में 5-5, 6-6 घंटे लग जाते हैं। तो हम गुजारिश करेंगे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से और राज्य सरकार से कि ये जो एलिवेटेड रेल ट्रांजिट सिस्टम है इसको उधमपुर तक एक्सटेंड किया जाए, उधमपुर टाउन को भी जोड़ा जाए इसके साथ। जम्मू श्रीनगर रेल ट्रांजिट सिस्टम पे जो डेवलपमेंट अभी हुई है रिसेंटली वो बहुत सराहनीय है और किसी भी सिटी की ट्रांसपोर्टेशन इश्यूज को रिजॉल्व करने के लिए उसमें मेट्रो इंट्रोड्यूस करना, रेल सिस्टम इंट्रोड्यूस करना एक नया आयाम है तरक्की को छूने का। 8,500 करोड़ रुपए की लागत से ये जो ट्रांजिट सिस्टम बनेंगे ये मुझे लगता है कि ट्रैफिक प्रॉब्लम को काफ़ी हद तक रिजॉल्व करेंगे। इसके अलावा रोड रेज, रोड एक्सीडेंट्स में भी काफ़ी कमी आएगी। डेवलपमेंट की तरफ एक निर्णायक कदम है। हम ये उम्मीद करते हैं कि अकाउंटेबिलिटी और ट्रांसपेरेंसी को इंश्योर करते हुए समयबद्ध तरीके में जम्मू के मेट्रो रेल सिस्टम को कंप्लीट किया जाएगा। जम्मू वालों को मैं हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहता हूं कि प्रथम फेज में बन तालाब से ग्रेटर कैलाश। हालांकि सरकार ने एलिवेटेड रेल ट्रांजिट सिस्टम प्रोजेक्ट से पहले भी जम्मू के पर्यटन उद्योग को बढ़ाने के मकसद से केबल कार और कृत्रिम झील की परियोजना शुरू की थी, लेकिन अभी तक ये परियोजनाएं पूरी नहीं हो पाई हैं। अब देखना ये है कि एलिवेटेड रेल ट्रांजिट सिस्टम को सरकार निर्धारित समय सीमा में पूरा कर पाती है या नहीं। न्यूज डेस्क से अश्विनी चंदेल की रिपोर्ट।